हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में, और यहाँ की फेमस आइसक्रीम आपको खिलाएंगे आज, और भैया से मिलवाएंगे। यहाँ पे हैं प्रेम आइसक्रीम वाले, और दिखाते हैं कि क्या क्या उनके पास खास है। भैया से बातचीत करेंगे क्या क्या रेट्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को यहाँ पे खींच के लाती है। एक स्पेशल आइसक्रीम है उनके पास, तो जानते हैं कि क्या क्या है भैया के पास। अगर हम लोकेशन की बात करें तो बल्लभगढ़ के मेन बाज़ार में घंटाघर चौक है, वहाँ के सामने ये देखिए यहाँ पे पुलिस चौकी है। और पुलिस चौकी से अगर आप इधर देखते हैं तो उसके अपोजिट ये रहा प्रेम आइसक्रीम वाला। हमारे साथ हैं भैया प्रेम आइसक्रीम वाले, तो हम भैया से जानेंगे कि कितना टाइम हो गया है यहाँ पे इनको, और क्या क्या इनके पास खास है, कौन सी ऐसी खास चीज़ है जहाँ पे लोग खींचे चले आते हैं। तो हाँ जी भैया, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 26 साल हो गए सर। 97 आया था मैं, पापा ने काम करवाया था मेरे को, ये पापा ने सिखाया था सब कुछ, तभी से अपनी इस शहर में यही काम कर रहे हैं। और बस कई वेराइटी है, 21-22 वेराइटी है आइसक्रीम में। तो कौन सी ऐसी खास चीज़ है, कोई एक ऐसी खास आइटम जिसके लिए लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं? एक गुलकंद फ्लेवर है, जो गुलकंद भी अपने हाथ का बना हुआ, घर का बना हुआ, होममेड है। तो होममेड आइसक्रीम है भैया की गुलकंद आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सारी अपनी बनी हुई है, और गुलकंद आइसक्रीम का एक ज़रा सेल है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे पीछे भैया आइसक्रीम बना रहे हैं, और देखते हैं कि अब क्या क्या यहाँ पे खास है, और खा के देखेंगे, टेस्ट बताएंगे आपको कैसा है और क्या क्या रेट्स हैं वो भैया से पूछेंगे एक बार। तो ये वाली है, ये बादाम शेक है, और ये नेक्स्ट है इसके अंदर काजू शेक, ये अंजीर शेक, ये अंजीर शेक है भैया के पास, फ्रूट शेक, ये है फ्रूट शेक, ये चॉकलेट शेक, ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट शेक भी है भैया के पास, और एक आइटम यहाँ पे और है रबड़ी, अपने घर की बनी हुई रबड़ी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, अपने घर की बनी हुई है भैया बता रहे हैं। और ये है फलूदा, और अभी हम बनवाते हैं भैया से स्पेशल। ये देखिए, ये है दूसरा बॉक्स, इसके अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको दिखाई दे रही है आइसक्रीम की। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये हमारी गुलकंद, ये है भैया की गुलकंद आइसक्रीम जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। ये केसर पिस्ता, ये है केसर पिस्ता, हमारी स्पेशल है, ये स्पेशल है, प्रेम आइसक्रीम, ये प्रेम आइसक्रीम के नाम से स्पेशल आइसक्रीम बनाई है भैया ने। तो इसमें क्या खास है भैया? इसमें ऑल टोल फ्लेवर सारे, बादाम है, काजू है, गुलकंद है, जेली है, चॉकलेट है, पिस्ता है, ये जेली फ्लेवर है, ये जेली फ्लेवर है, देखिए बहुत ही अंदर काजू किशमिश फ्लेवर है, ये देखिए काजू किशमिश, ये बादाम रोस्टेड है, ये देखिए बादाम रोस्टेड है, और ये बटर स्कॉच, बहुत सारी आइटम है यहाँ पे। एक और है देखिए चॉकलेट। तो देखिए बहुत सारी आइटम है, इसमें से आप कोई सी भी अपनी चूज कर सकते हैं, अपने मन पसंद की भैया से बनवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे और खजाना भरा पड़ा है, वनीला, ये देखिए वनीला आइसक्रीम भी है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे अंजीर, अंजीर आइसक्रीम, अंजीर की आइसक्रीम बहुत कम जगह पे मिलती है, देखिए भैया के पास भी है ये, और ये है कुल्फी, अगर आप कुल्फी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको कुल्फी का भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं भैया के पास, खा के देखते हैं, टेस्ट बताते हैं, और क्या क्या रेट्स हैं वो सब बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स। तो इसको खास करना, तो ये देखिए यहाँ पे फलूदा आइसक्रीम बन रही है, ये देखिए फलूदा आइसक्रीम के अंदर जा रहा है बिना हार्ट टच किए, बिना हार्ट टच किए, और यहाँ पे देखिए ये रबड़ी, ये खुद की घर की बनाई हुई रबड़ी है भैया की। और ये क्या भी है ऊपर? ये केसर रूह अफ़ज़ा, केसर रूह अफ़ज़ा,
गुलकंद, गुलकंद। ये है गुलकंद होममेड, ये भी होममेड है। ये है ड्राई फ्रूट, और ये आ गए उसके ऊपर ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, और ये क्या पिस्ता, पिस्ता। देखिए भाई ये फलूदा आइसक्रीम है, ये रेडी हो गई भाई हमारी फलूदा आइसक्रीम, बहुत ही बढ़िया पूरा भरा हुआ यहाँ पे ड्राई फ्रूट से, ये देखिए। तो हाँ तो भाई लोग ये हमारे पास आ गई है पूरी एकदम तैयार होके फलूदा आइसक्रीम, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, एक बाइट लेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। ऑसम, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है भैया। इसके अंदर रबड़ी का जो स्वाद है ना वो बिल्कुल अलग से आ रहा है, और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट हैं पूरा भर भर के डाले हुए हैं भैया ने, और पूरा ड्राई फ्रूट का यहाँ पे टेस्ट आ रहा है आपको यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। तो जब भी आप बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे घंटाघर चौक है, यहाँ पे भैया की शॉप है प्रेम आइसक्रीम वाले, और यहाँ पे आके ये खाना ना भूले, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आपको जन्नत जैसा महसूस होगा, तो यहाँ पे आएं और ये आइसक्रीम का टेस्ट ज़रूर लें। से जानते हैं कि कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पे आते हुए आइसक्रीम खाते हुए और कैसा टेस्ट है। तो हाँ जी भैया बताएं थोड़ा सा। हम लोग को 3 साल हो गए यहाँ पे आते हैं, और मैं सुभाष कॉलोनी से यहाँ पे आता हूँ खाने के लिए, तो कहीं तो अच्छा लगता है। तो कितनी दूर पड़ती है यहाँ से सुभाष कॉलोनी? हम 2 किलोमीटर। बताइए 2 किलोमीटर यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं और 3 साल हो गए यहाँ पे। कौन सी ऐसी खास आइटम यहाँ पे लगती है आपको? गुलकंद और ये किशमिश वाली आइसक्रीम। देखिए गुलकंद जिसकी हम बात कर रहे थे वही इनका, इन्होंने भी उसी का नाम लिया कि गुलकंद आइसक्रीम, यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेस्ट लगती है इनको। और साथ ही साथ एक दूसरी आइसक्रीम कौन सी बताई हुई है ना? किशमिश वाली। किशमिश वाली, तो चलिए भैया ने तो बता दिया है, तो आप भी जब यहाँ पे आएँ गुलकंद और किशमिश वाली आइसक्रीम ज़रूर खाएँ, और यहाँ पे क्वालिटी अनबीटेबल है। क्या बात है, तो भाई ने सब कुछ बोल दिया है एक लाइन में, मतलब आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते किसी बारे में। बस जी सारी चीज़ इन्होंने बोल दी है इसके अंदर, तो एक बार आएँ और ज़रूर टेस्ट करें। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कैसे पहुँचे, यहाँ की जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ की पूरी टाइमिंग, पूरा सब कुछ डिटेल जो भी है वो मैं उसमें लिख दूंगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है, बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।